हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मोमोज की रेसिपी, स्टीम मोमोज। ये वेज मोमोज है दोस्तों, और इसके साथ मैंने बनाया है चटपटी तीखी लाल चटनी। और देखिए कितने सॉफ्ट मोमोज बने हैं मेरे, और फिलिंग भी कितनी फ्रेश है। आइए दिखाती हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी मैदा है दोस्तों, आप किसी भी कटोरी से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को, और इसके अंदर मैंने कोई तेल वेल कुछ ऐड नहीं किया है। बहुत से लोग ऐड करते हैं बट मैंने नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ नमक ऐड किया। और यहाँ पे मैंने फ्रिज का चिल्ड पानी लिया है, बिल्कुल ठंडा, गर्म पानी नहीं यूज़ करना है हम लोगों को, ठंडा पानी यूज़ करना है। और बिल्कुल सख्त आटा गूंदना है, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट नहीं होना चाहिए हमारा आटा, अच्छे से टाइट टाइट आटा गूंदना है हम लोगों को इसका। देखिए यहाँ पे मैंने गून के रेडी कर लिया है, अच्छे से मसल मसल कर गूंद लेना है हम लोगों को, बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की कवर में इसको लपेट के फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये अच्छे से सेट हो जाए और ज़्यादा मुलायम ना हो। यहाँ पे फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया है बंद गोभी, बिल्कुल बारीक काट के, और 2 प्याज मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक काट के, 1 शिमला मिर्च और 2 गाजर, गाजर को घिस लिया है मैंने, बाकी सबको बिल्कुल बारीक काट के लिया है। ये सब चीज़ों को हम लोग एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आप लोग चाहे तो पनीर भी ग्रेट करके मिक्स कर सकते हैं, बट मैंने नहीं ऐड किया है। यहाँ पे मैंने छोटी सी अदरक और 7 से 8 लहसुन और 3 हरी मिर्चों को अच्छे से कूच लिया है, इसको कूच के लिया है। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा मोटा मोटा ग्रेट करना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, इस फिलिंग में पेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको मोटा मोटा ग्रेट करना है। अब सबसे पहले हम लोग इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर लेंगे। एक टेबल स्पून नमक, और यहाँ पे हम लोग शक्कर ऐड करेंगे। आप लोग सोचोगे शक्कर क्यों ऐड कर रहे हैं, बट इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल तीखा और मीठा मिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें शक्कर ज़रूर ऐड करिएगा आप लोग। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग ऑयल ऐड करेंगे, जिसमें सब्जियों का मॉइस्चर ना जाए। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम लोग ढक के रख देंगे, जिसमें पानी अच्छे से आ जाए सब्जियों का। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़ा पानी गरम करने के लिए रख दिया है, बॉईल करने के लिए। और चटनी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे टमाटर बॉईल कर लेंगे, जिसमें इसका छिलका निकल आए, अच्छे से पील ऑफ हो जाए। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर यूज़ करे हैं। ऐसे चटनी बनाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल महीन पीसना है हम लोगों को इस चटनी को। यहाँ पे मैंने देखिए बड़े साइज़ की मिर्चें 5 और छोटे साइज़ की 5 मिर्चें ले ली थी 2 घंटे भिगो के, जिसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका थोड़ा तीखापन भी कम हो जाए, बहुत तीखी होती है छोटी वाली मिर्ची। हम लोगों को दोनों आधा आधा लेना है, छोटी मिर्ची 5 और बड़ी। यहाँ पे मैंने 7 से 8 लहसुन लिए हैं चटनी में डालने के लिए, अच्छे से इसको हम लोग कूट लेंगे।
ऐसे ही नहीं डालना है हम लोग को पीसने के लिए, नहीं तो अच्छे से ग्रेट नहीं होता ये। देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है, 2 से 3 बार बॉईल करेंगे फिर हम लोग गैस बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया है दोस्तों, देखिए कितने अच्छे से ग्रेट कर लिया मैंने लहसुन को। मिर्ची भी रेडी है हमारी। अब यहाँ पे हम लोग टमाटर के छिलके निकाल लेंगे, नहीं तो ये चटनी में मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, और ऐसे बहुत अच्छी बनती है चटनी। अच्छे से निकाल लेंगे पूरे टमाटरों का छिलका। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे टमाटर का छिलका निकाल लिया है। अब हम लोग इसको पीस लेंगे, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है हम लोगों को, बस 3 चीज़ ही लेनी है और नमक डाल के पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीसना है। कुछ लोग थोड़ा मोटा मोटा पीस देते हैं तो उसको छानने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल फाइन पीसा था, बहुत ही बारीक पीसा था। अब 1 टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा ज़्यादा 1 टेबल स्पून से अच्छे से पीस लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी सब्जी हम लोग ने मिक्स करके रखी थी उसको हम लोग एक कॉटन के कपड़े में पूरा पानी इसका निकाल लेंगे अच्छे से। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं कॉटन का, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बस अच्छे से दबा के हम लोग को इसका सारा पानी निकाल लेना है। देखिए कितना सारा पानी निकला है इसमें से। अब इसको हम लोग एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है गरम होने के लिए, इसमें हम लोग 2 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल, अच्छे से गरम कर लेंगे। ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो इसमें हम लोग लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे तो वो जल जाएगा, मीडियम ही गरम करना है। अब इसके अंदर हम लोग हमारी जो चटनी हमने पीसी थी उसको ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, पका लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने जार के अंदर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अब हम लोग फिर से कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसमें हम लोग 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। थ्री टेबल स्पून डाला है मैंने ऑयल यहाँ पे, थोड़ा ही सा डालना है हम लोगों को, थोड़ा सा सब्जी फ्राई करने के लिए। अच्छे से गरम करके इसके अंदर हमारी सब्जी ऐड कर लेंगे। हम लोग को यहाँ पे सब्जी पकाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स कर लेना है ऑयल के साथ, थोड़ा सा गल जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बस फ्राई करना है हम लोग को तेल के साथ सब्जी को, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें इसको अच्छे से ठंडा कर लें। अच्छे से ठंडा होना चाहिए हमारा फिलिंग। अब यहाँ पे मैंने जो फ्रिज में रखा था आटा वो निकाल लिया है पूरा 1 घंटे के बाद,
और ये अच्छे से सेट हो चुका है, हार्ड भी है जैसा चाहिए था मुझे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब इसके हम लोग छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे हमारे मोमोज के लिए। कुछ छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हम लोगों को, बहुत छोटे भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़े भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने सारे बॉल्स बना लिए। एक कटोरी आटे में मैंने 35 मोमोज बने थे। आप चाहे तो उससे कम भी ले सकते हैं और उससे डबल भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो। ऐसे गोल गोल कर लेंगे हमारे बॉल्स को, बहुत ही टेस्टी बने थे हमारे मोमोज, बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने सारे बॉल्स बना लिए। अब हम लोग थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के इसको बेल लेंगे। हम लोग को चारों तरफ से बराबर से बेलना है दोस्तों, खाली बीच बीच में नहीं बेलना है, साइडों में भी अच्छे से पतला पतला बेलना है। अच्छे से बिल रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो फिर हमारे मोमोज उतने अच्छे नहीं लगते खाने में, बिल्कुल आटे जैसे लगते हैं, मुंह में कच्चे कच्चे लगते हैं, तो बिल्कुल पतला बेलना है हम लोगों को। देखिए कितना पतला बेला है मैंने, बिल्कुल ऐसे ही बेल लेना है आप लोगों को। अब मैं सारे बेल लेती हूँ, देखिए मैंने सारे बेल के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग फिलिंग भर के, मैं आपको तीन तरीके बताऊंगी बनाने के। देखिए एक के ऊपर एक हम लोग को रखते जाना है हमारा फोल्ड करते हुए, ये फर्स्ट मेथड है मोमोज बनाने का। सेम ऐसे ही बनाना है हम लोग, आप लोगों को प्लेटें बना के इसको फोल्ड कर देना है। देखिए बिल्कुल ऐसे अच्छे से चिपका देना है। इसके अंदर हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं लगाने की, अपने आप ही चिपक जाता है ये। अभी सेकेंड वाला बता रही हूँ मैं आपको, जो नॉर्मल हर जगह पे बनता है वैसा। अच्छे से एक के ऊपर फोल्ड करते जाना है हम लोगों को। अच्छे से फोल्ड करेंगे और ये हमारा छोटू सा मोमो बनके रेडी है। अब थर्ड मेथड, ये बहुत ही आसान है बनाना, बट पकने के बाद यही सबसे ज़्यादा जूसी लगता है, बहुत ही अच्छा रहता है ये और बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये वाले मेथड को बिल्कुल गुजिया की तरह लपेट के और इसको एक दूसरे कोने से मिला देना है बस। देखिए कितना आसान है, बन गए हमारे 3 टाइप के मोमोज। अब यहाँ पे मैंने स्टीम करने के लिए इडली का बर्तन ले लिया है, पानी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। अब इसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे, नहीं तो मोमोज चिपक जाएंगे हमारे। मैं अच्छे से यहाँ पे तेल लगा ले रही हूँ, रिफाइंड ऑयल। अब इसके अंदर हमारे मोमोज शिफ्ट करेंगे, दूर दूर ही रखिएगा नहीं तो चिपक जाएंगे मोमोज। देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम लोग शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर भी रख दिए अच्छे से ग्रीस करके ऑयल से, मुश्किल से 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं ये, ज़्यादा देर नहीं लगती है इसको पकाने में। फुल आंच पे रखिएगा, देखिए रेडी हो गए। वाओ, देख के आ रहा है ना मुंह में पानी, बिल्कुल जूसी मज़ेदार बन के रेडी हो गए हमारे मोमोज। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं,
आप भी लोग भी ज़रूर बना के ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसे लगे आपको मोमोज हमारे। आप लोग बना के ट्राई करिए और मज़े लीजिए फैमिली के साथ। चटनी भी ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी रहती है। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।